हेलो सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चलो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ फैमिलियर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ बना नहीं पा रहा फैमिलियर्स पे, और मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ चुके हैं कि भाई फैमिलियर्स पे कब बना रहे हो, फैमिलियर अटैक चैलेंज जो भी है। तो आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ फैमिलियर्स पे। तो चलो मैं बता देता हूँ, जैसा कि मैंने साउंड बंद कर लिया है। सो गाइस, जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, ज़रूर से ज़रूर उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो भी मेरी अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइस, चलो देखते हैं फैमिलियर्स में क्या है क्या नहीं है, सब बताऊँगा मैं इस वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया था अटैक वाले वीडियो में, कि फैमिलियर्स वाली वीडियो बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि फैमिलियर्स एक दो तो है नहीं, फैमिलियर्स बहुत है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये इवेंट भी आ चुका है, तो जिसको प्ले करना है ये, तो इसको प्ले करने के लिए आप जस्ट देख सकते हैं अभी सेकंड्स में चल रही है, इसलिए मैं अभी प्ले नहीं कर रहा इसे। देख सकते हो इतनी, मतलब हर सेकंड कोई ना कोई आ रहा है, 21 सेकंड, 16 सेकंड, 11 सेकंड, और यहाँ मेरे पर 95K हैं, देख सकते हो, मतलब 95,000 होली स्टार्स हैं मेरे पास। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये सेकंड वाइज चला, तो अभी नहीं करना, मैं खुद वेट कर रहा हूँ एक दो दिन का, क्योंकि ये अराउंड 3 दिन तक का है, तो जस्ट वेट करो, आराम से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, अभी फैमिलियर्स की बात कर रहे थे, तो मैं फैमिलियर्स के बारे में आपको कुछ बता दूँ। देखो, अगर किसी, मतलब जो कमेंट किया था वो फैमिलियर्स के आर्मी टैलेंट के लिए, तो गाइस अगर आपको ये आर्मी टैलेंट अनलॉक करना ना, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको फैमिलियर्स लेवल 50 करना पड़ेगा। जैसा कि मैं एक फैमिलियर्स, अब जैसे मेरा ये 50 लेवल का हो गया था जस्ट, तो इसके बाद ये वाला जो है ना, सबसे नीचे वाला ये खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ना, तो इसको खोलने के लिए हमें ऑर्ब लगते हैं, तो ये तो दिखाता हूँ दूसरा। अब ये देखो, इसको खोलने के लिए मुझे ऑर्ब लगेंगे, ये देख रहे हो, यहाँ 47 ऑर्ब है मेरे पास। बट क्या है कि मेरे पास इसके ये मॉडल्स नहीं है, इसके मॉडल्स कलेक्ट करना जरूरी है। 50 लेवल जरूरी नहीं है कि 50 लेवल कर दिया तो अनलॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 50 लेवल करोगे तो आपका जस्ट ये जो किसी किसी में थर्ड रो आती है ना, ये थर्ड, ये अनलॉक होता है। फिर जब आपके इसके मॉडल देख सकते हैं, 120 रूनस चाहिए इसके मेरे, मुझे अब मेरे पास 67 रूनस ही है, तो ये नहीं होगा। जब 120 रूनस हो जाएंगे ना, तो फिर यहाँ से इसको अपग्रेड करना पड़ेगा पहले। तो ये अपग्रेड जब मैं कर दूंगा ना, रूनस कलेक्ट करने के बाद टोटल 120 रूनस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ से अपग्रेड करूँगा इसको। तो यहाँ से अपग्रेड करने के बाद फिर ये अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आएगा, ये पहले नहीं आएगा। पहले ये अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास ऑर्ब होने चाहिए, ये जो नीचे रेड कलर का दिख रहा है, मेरे पास 47 है, और इसको चाहिए 80 ऑर्ब्स, ठीक है गाइस। तो सारे के सभी के मतलब अलग अलग है, देख सकते हो। तो यही है बस भाई, आर्मी टैलेंट ऐसे ही अनलॉक होगा आपको। पहले यहाँ से इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रूम्स लेने पड़ेंगे जितनी की रिक्वायरमेंट है। 80 होता है किसी का, 120, किसी का 160 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ऑर्ब कलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपग्रेड करना है। यहाँ से अपग्रेड कंप्लीट जब हो जाएगा, 1 दिन 12 घंटे में ही सारे होते हैं अपग्रेड हो जाएगा, उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे ऑर्ब जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ से अपग्रेड करोगे, उतने ऑर्ब आपके लग जाएंगे, ठीक है। इसे ऑर्ब कहते हैं, ये दिखा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ जाएंगे, ये देख सकते हो, ये है ब्राइट टैलेंट ऑर्ब, तो इसे ऑर्ब कहते हैं। और ये भी है, तो ये तो किसी और मटेरियल के काम आते हैं। तो आपने इतना देख लिया, ये मेरे पास कितने स्किल मतलब रूम्स है, ये सारे देख सकते हो, कुछ के एक्स्ट्रा पड़े हुए, जैसे कि मैंने जो अनलॉक कर, जैसे कि आपने 60 लेवल करके इसको अनलॉक भी कर दिया, फिर भी आप अगर पैक 3 के मतलब मर्ज कर रहे हो, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा बचता है उसको आप यहाँ पे जाकर यहाँ से ही क्लिक करके आप एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो मेरी गोल्ड प्रोडक्शन रेट बढ़ गया, देख सकते हो, अभी मेरे गोल्ड प्रोडक्शन रेट 30% हो गया है, और नेक्स्ट लेवल अभी मैक्स आउट करूँगा 10 पे, तो ये 35% हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, जस्ट देख सकते हो मैंने क्लिक कर दिया, तो जस्ट पूरा नहीं हो पाया, तो एक और क्लिक करूँगा, तो यार पैसे भी बचा के क्या करना, बाद में मैं इसको सेल कर दूँगा, तो जस्ट कोई नहीं, मैंने क्लिक किया, तो ये देख सकते हो आप, मैक्स हो गया, लेवल 10 पे मैक्स हो गया ये, तो देख सकते हो यहाँ आगे मैक्स गोल्ड प्रोडक्शन रेट 35%। तो अभी मेरे पास तो कुछ ऐसा प्रोडक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास गोल्ड जो भी है जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा ही है, मतलब 17 मिलियन है, और प्रोडक्शन के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कितने कम होने चाहिए। गोल्ड कहाँ गया भाई, गोल्ड स्टोरेज है 4.4 मिलियन की मेरे पास, तो 4.4 मिलियन से कम होगा तो गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, गोल्ड जो है वो 1774 और 39 और 79 है, तो 79 में 979 से एक भी आगे नहीं बढ़ रहा, देख सकते हो।
कोई सा भी नहीं बढ़ सकता क्योंकि सब मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा है। स्टोन है वो 1 बिलियन प्लस है, वुड है 238 मिलियन है, और है 274 मिलियन है, तो ये सारे बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो ये नहीं बढ़ेंगे जाहिर सी बात है। तो चलो अब आर्मी की वो आर्मी टैलेंट तो बता दिया कैसे अनलॉक करना है गाइज। तो अब इस वीडियो में मैं पूरा तो बता नहीं पाऊंगा, बस इतना बता दे रहा हूँ मेन चीज़ आपको कि जैसे आप इसको अनलॉक करते हो तो आपके पास सभी फैमिलियर्स के अलग अलग डिमांडिंग होती है, सभी फैमिलियर्स अलग अलग चीज़ें देती है। जैसे कि मैंने अटैक वाली वीडियो बताई, रेंज अटैक देता है, वैसे कोई कैब अटैक, कोई डिफेंस, कोई कुछ देता है, सब कुछ कुछ ना कुछ देता है। बट जो आप छोटे मोटे प्लेयर्स हो ना, तो आपको पहले तो यहाँ ध्यान देना होगा, पैक्ट पे जाएंगे, लेवल फर्स्ट पे जाएंगे, तो लेवल फर्स्ट का जो ए है ना, इसमें आपके पास कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। आपको ये देख सकते हो, इसमें मर्जिंग स्पीड देगा और ये कुछ है, पढ़ सकते हो, बैटल रिड्यूस एनिमीज आर्मी डिफेंस, मतलब जब हम बैटल स्टार्ट करोगे अगर इसको भेजोगे तो आर्मी की जो उनकी आर्मी की डिफेंस है ना वो माइनस करता है ये। तो मैं बता देता हूँ आर्मी में इसको कैसे लेते हैं, वो भी दिखा देता हूँ एक बार। जस्ट आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ गए, खुल जा भाई मैप, यार बोले बगैर नहीं खुलता क्या, किसी को भी ले लिया। जैसे मान लो अगर मैंने इस पे ही अटैक के लिए क्लिक किया तो भाई ये तो शील्ड अब नहीं बता रहा, कोई नहीं हम कोई और सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यही है, इस पे हमने अटैक के लिए क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट आर्मी देख सकते हो। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो इसमें है इन्फेंट्री, ये मैक्स कर रखा है मैंने, इंक्रीज इन्फेंट्री अटैक बाय 15%। स्टार्टिंग में ये जाके 15% अटैक इंक्रीज कर देता है। और इसकी बात करें तो ये तो हर 10 सेकंड में आता है, जब हमारा मतलब 10% ट्रूप्स मर जाते हैं या वही है मर जाते हैं, उसके बाद ये हर 10% पे आ जाता है। और ये कैब के लिए है, कैब अटैक इंक्रीज करता है, तो इसको कुछ मैंने मैक्स नहीं कर रखा। ये पूरी आर्मी के लिए है, इंक्रीज आर्मी अटैक 67% फॉर 6 सेकंड्स व्हेन 10% ऑफ योर ट्रूप्स हैव फैलन। तो देख सकते हो जो भी है सामने, ये इतने टैलेंट मैंने अनलॉक कर रखे हैं जो मुझे आर्मी में काम आने वाले। तो ये नीचे के तो मैंने मैक्स नहीं कर रखे, जस्ट 2-3 ही कर रखे जो मेरे काम के, क्योंकि यार और भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है गाइस। और के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने बता दिया अटैक में कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो आप फर्स्ट में जैसा कि आपने देखा, तो ये मैंने कर रखा, ये इन्फेंट्री अटैक वाला, इसको मैंने मैक्स कर रखा जैसा कि आपने देखा। अब चलो इसमें अगर आप फ्रेग्रेंस, तो अगर आप इसको अनलॉक करते, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा अगर आप पैक्ट 1 पे हो तो आप इसी को अनलॉक करो पहले, क्योंकि ये आपको फ्रेग्रेंस देता है जो आपके किस काम आता है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, दिखाना क्या है, फ्रेग्रेंस देता है जो आपके काम कुछ ऐसा आता है। अब हट जा भाई, जैसे कि मैंने दिखाया अभी, जैसे इसको इसकी बढ़ानी, तो ये फ्रेग्रेंस इसे कहते हैं, ये देख सकते हो। तो इससे आप ये टैलेंट भी बढ़ा सकते हो, प्लस में अगर किसी आर्मी का आप स्पीड वो बढ़ाना चाहो ना एक्सपी किसी भी मतलब फैमिली का, तो यहाँ से 10 XP पर फ्रेग्रेंस पर बढ़ता है। यूज़ पर क्लिक करना, जस्ट आपको किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक करना है, तो मेरे ये देख सकते हो XP कितनी इंक्रीज होगी, 26% से ये 85% पर चला गया, बट मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेग्रेंस मिलेगा, तो यार फर्स्ट जो भी है ना पैक फर्स्ट में आपको ए में पहले को ही करना है, कोशिश करना पहला हो जाए। अगर आप पैक ए के सेकंड पार्ट में जाते हैं मतलब 1B में, तो आपको इसमें बस इक्वेरियस को ही करना है। इक्वेरियस ये होता है, और इसमें मतलब आपको क्या मिलता है देख सकते हो आप, STA आपको पता ही होगा क्या होता है। तो ये इसमें आपको STA मिलेगा, जो कि आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, हीरोज़ को अपग्रेड करने में, जो भी आपके हीरोज़ है ना, यहाँ देख सकते हो आप, ये मैंने हीरोज़ कुछ गोल्ड कर रखे हैं, तो गोल्ड करने के लिए STA की रिक्वायरमेंट। अभी मैं इसको गोल्ड करने वाला हूँ, जस्ट अभी ये जो इवेंट आया इसमें मैंने इसको तो जल्दी से जल्दी पर्पल कर लिया है, अब गोल्ड करने के देख सकते हो। अब जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें STA 6 की रिक्वायरमेंट है, तो ये STA हमें इसी से मिलेगा, देख सकते हो मेरे पास है। आपने कई बार मेरी वीडियोज़ में देखा होगा मैंने यूज़ किया था इसका, देख सकते हो ऑलरेडी मैंने कितने सारे टैलेंट अनलॉक कर रखे हैं। ये तो अभी 4 आवर्स का रिसोर्स वाला भी मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो STA के लिए देख सकते हैं आप, ये रहा मुझे 50-85 STA मिलेंगे हर 14 घंटे 30 मिनट बाद, हर 14 घंटे बाद। अभी मैंने इसको और अपग्रेड नहीं कर रखा, नहीं तो ये हर 12 घंटे पे मिलता है। देखो मैं दिखाता हूँ इसमें, वे भाई तो आप इसमें देखो ये हर 12 आवर्स में देता है, देख सकते हो 60 से 120 हर 12 घंटे में देता है ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप या तो अगर ए पैक करते हो फर्स्ट का ए पैक, तो उसमें भी फर्स्ट वाला करना, और बी पैक करते हो फर्स्ट का 1B तो भी फर्स्ट वाला ही करना। पर चलो वैसे मैं सबकी डिटेल्स तो बता सकता हूँ, पर बताने में बहुत टाइम लग जाएगा गाइस। जो मैं मेन होता है ना, मेन चीज़ों को ही मैं अभी कवर कर रहा हूँ, बाकी जो दूसरी वीडियोज़ होंगी ना मैं दूसरी अगर बना दूंगा, अगर आपको सभी की डिटेल्स थी तो दूसरी बना दूंगा, उसमें देख लेना थोड़ा बहुत। अभी मेन चीज़ कवर कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि यार ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है,
तो मेन चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बस उसको ध्यान रखना, मुझे ज़्यादा वो नहीं करना कि हाँ भाई आप सबको थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाना आप सबका, ये बात अच्छी नहीं है। आप भी मेरी तरह हो, आपको भी अच्छा लगता है कि आपको भी जल्दी से जल्दी पता चले जो भी जानना चाहते हो, तो इसलिए मैं जल्द से जल्द बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप पैक वन में तो मैंने बता दिया आपने अनलॉक कर लिया, तो अब चलते हैं पैक बी की तरफ, मतलब टू की तरफ, पैक टू की तरफ। वन ए और वन बी में दोनों में फर्स्ट बता दिया, अब पैक बी की तरफ चलते हैं। तो पैक मतलब बी कह रहा हूँ वही टू की तरफ, तो टू पर क्लिक किया जस्ट यहाँ पर, और जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। तो जो पैक टू है ना उसमें भी मेन आपका यही है। क्यों ये मेन है, ये तो यार मैंने भी अनलॉक नहीं कर रखा अभी, क्योंकि जस्ट मुझे पता नहीं चला था उस टाइम जब मेरे पास पैक टू वन टू था। मैंने पैक थ्री अनलॉक कर लिया था, तो पैक थ्री के पीछे पड़ गया क्योंकि वो अटैक के लिए, पैक थ्री बेस्ट है गाइस अटैक के लिए। पैक फोर भी बेस्ट है, वो भी मैं बताऊंगा, चलो देखते हैं, बट थ्री मस्ट है, थ्री तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पैक थ्री। तो ये क्यों मैक्स है मैं इसको आपको बता देता हूँ। जस्ट आप फर्स्ट प्रो पे क्लिक करेंगे वॉल डिफेंस देता है ये आपको, ठीक है। सेकेंड राउंड पे क्लिक करेंगे तो एनर्जी रीगेन स्पीड देता है, जो मतलब मॉन्स्टर हंट करने के लिए जो आपकी एनर्जी होती है ना, एनर्जी वो जल्दी बढ़ाता है ये, मतलब जल्द से जल्द इंक्रीज करता है। और मेन थिंग जब आप 50 लेवल पे जब पहुंचोगे तो ये अनलॉक होगा। तो यहाँ देख सकते गेट 30 मतलब 3000 रैंडम टायर वन ट्रूप्स लेवल वन पर, और लेवल टेन करते तो 20,000 देगा आपको। तो ये मतलब बढ़िया यार, 20,000 ट्रूप्स आपको मिल रहे फ्री में, वो भी हर 3 दिन में, तो बढ़िया यार। एक तो आपकी आर्मी इंक्रीज होगी, प्लस में डिफेंस भी इंक्रीज होगा। ये मत सोचना कि लेवल वन का है तो मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। गाइस देखो जो लेवल वन का ट्रूप्स है ना वो क्या करता है, जैसे लेवल टू के थ्री के मान लो फोर तक के खुले, थ्री तक के ही खुले हुए मान लो, अगर आपके थ्री के रॉयल गार्ड वगैरह खुला हुआ है और आपके पास लेवल वन के ट्रूप्स बहुत ज़्यादा है, मतलब 2-2 लाख सारे ट्रूप्स हैं, और इन्फ्रंट और जो लेवल थ्री के हैं वो मिनिमम 50,000-60,000 के अराउंड है सारे। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है ना कि जो मेन डिफेंडर होता है ना, जो आगे की साइड होता है, वो पैक थ्री होगा। बैकग्राउंड में जो पैक वन का होगा ना वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको डिफेंस करने में हेल्प करेगा। आप देख सकते हो जो भी मतलब ट्रैप अकाउंट होता है ना उसमें मतलब जो भी ज़्यादातर ना बैक लेवल के ही ट्रूप्स ज़्यादा होते हैं, फ्रंट लेवल के कम होते हैं। फ्रंट लेवल में वो क्या करेंगे, इन्फेंट्री डाल देंगे सारे, फिर बैक लेवल के ट्रूप्स के रेंज और कैब इंक्रीज कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा पीछे रह के अटैक करते हैं और इन्फेंट्री जो होती है ना सामने जाती है आगे, तो इसीलिए फ्रंट लेवल के इन्फेंट्री वो ज़्यादा मतलब लेवल हाई लेवल के इन्फेंट्री ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये भी बेस्ट है, इसका आर्मी टैलेंट देख लोगे तो ये देख सकते हो आप स्टन, इसका ये जो टैलेंट है ना ये भी अपने आप में बहुत बेस्ट है यार। स्टन वन ऑफ योर एनिमीज लार्जेस्ट स्क्वाड्स फॉर 0.8 सेकंड से लेकर ये 8 सेकंड तक हो जाता है व्हेन 10% ऑफ योर ट्रूप्स फैलन। तो मतलब उन सबको क्या स्टन का मतलब तो समझ ही गए होंगे यार, क्या कहता है, हिप्नोटाइज कर देता है। तो सोचो वो सारे के सर घूम रहे होंगे और आपके ट्रूप्स उनको दे घुसम दे बैट घूम बैट पेल रहे होंगे, तो फ़र्क पड़ता है बहुत। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई सेकंड में यार ये बेस्ट है, ठीक है गाइस। बाकी ये सारा है ये वॉल वगैरह डिफेंस वगैरह के लिए है, इधर देखो तो ये सब उतना कुछ खास नहीं, ये कार्गो शिप वगैरह देता है। तो अभी कोई ये सब मैं बाद में आराम से बताऊँगा, पहले ये मेन चीज़ बता देता हूँ। अब पैक टू की तरफ अगर हम जाते हैं ना गाइस, मतलब पैक टू बी की तरफ जाते हैं, तो यार इसमें मतलब ज़्यादा कुछ उतना खास नहीं है। आप इसको देखोगे तो ये थोड़ा काम आएगा आपके, क्योंकि ये ना क्लोजम एंट्रीज देता है, ठीक है गाइस। क्लोजम एंट्रीज मिलेगी इससे आपको, जो कि क्लोजम में रैंक करने के लिए बढ़िया है, ज़्यादा बार आप खेल पाओगे। देख सकते हो आप हर दिन में 10 एंट्री मिलेगी रोज़, तो यार बढ़िया है अपने आप में। और अगर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, इसका टैलेंट देख सकते हो आप, इंक्रीज इन्फेंट्री डिफेंस बाय 20% फोर सेकेंड्स वैन 10% वही है। तो ये डिफेंस देता है इन्फेंट्री की। और अगर हम इसकी तरफ चलते हैं तो ये भी बेस्ट है अपने आप में, बट ये उतना बेस्ट नहीं है यार। सब इसको पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि इससे आप ना ये पढ़ सकते हो आप, इससे आप दूसरे जो एनिमीज होते हैं ना किसी को भी, आप चाहे वो शील्ड में क्यों ना हो, चाहे आप शील्ड में क्यों ना हो, उसके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं फेमिलियर से। इससे जो देखे होंगे आप उड़ते उड़ते जाता है और उसके बम से मतलब बम के गोले की तरह उड़ता हुआ जाता है जलता हुआ, और उसके मतलब टर्फ पर अटैक करता है, तो कुछ नहीं होता, जस्ट ये 7,000 से 12,000 उसके लोअर लेवल का ट्रूप्स मरते हैं यार। तो यार किसी को इतना कोई फ़ायदा नहीं होता इससे, बस दिखाने के लिए है कि भाई हमने वो अनलॉक कर रखा है बस, वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये इसमें। तो अब बाकी इसकी अगर ये टैलेंट देखो तो ये भी टैलेंट इसका बढ़िया है, 6% हीरो बूस्ट देता है ये, जो कि बहुत बढ़िया है एक तरह से, हीरो की जो भी अटैक है वो बूस्ट करता है। बट मैं तो यही कहूँगा कि या तो हारपी देख लो आप, हारपी आपकी जो VIP लेवल इंक्रीज करने में हेल्प करता है हारपी, और प्लस में ये शेल्टर कैपेसिटी भी आपकी बढ़ा देता है। और आर्मी टैलेंट के बारे में जाने इसके तो
तो इन्फेंट्री की मैक्स एचपी बढ़ाता है 20% स्टार्टिंग में ही, मतलब फर्स्ट लेवल पे ही। अगर आप इसको जितना ज़्यादा लेवल इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 10 लेवल पे 80% इंक्रीज कर देता है, वो भी 10 सेकंड्स के लिए। तो चलो आगे हारपी बाकी देख लेना। हारपी करोगे तो हारपी में आपको क्या मिलेगा कि वीआईपी लेवल इंक्रीज होगा, और इसमें करोगे आपको तो इसमें क्लोजम एंट्री मिलेगी। बाकी तो देख लो आपके ऊपर है आपको कौन सा करना है, ठीक है गाइस। आगे अगर पैरिस करते हो तो इसमें बता ही दिया था, कुछ वैसा कुछ खास नहीं है, तो आपकी मर्जी। बाकी तो 2B हो गया। चलो अब पैक 3 की ओर चलते हैं, वीडियो लंबी हो चुकी है। तो पैक 3 में गाइस सिर्फ एक ही पैक्ट है, 3 और 4 का एक एक है। तो इसमें मेनली मैं आपको बताऊँ ना गाइस, अगर आप अटैक के पर्पज़ पे हो ना तो यार कोशिश करो पहले तो ग्रीफोन को लो। मैंने जैसे कि दिखाया अभी पूरी आर्मी की अटैक इंक्रीज करता है, यहाँ देखते तो पूरी आर्मी की। बट इसका जो ऑर्ब लगता है ना, ऑर्ब कहते हैं पता नहीं उसको, कुछ और कहते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, वो मैं दिखा दूंगा अभी। बट इधर भी इसकी ना थोड़ी बहुत मतलब बढ़िया क्वालिटी है इसकी, ये तीन चीज़ों की। फर्स्ट में देख सकते हो अलाय आर्मी साइज बढ़ाता है, ठीक है। और सेकेंड ऑफ ट्रेनिंग स्पीड इंक्रीज करता है, और थर्ड ऑफ जो भी आपने ट्रूप्स बाहर सेंड किए होंगे, चाहे किसी को अटैक करने के लिए, चाहे रिसोर्स लेने के लिए, चाहे किसी भी कारण से आपने ट्रूप्स बाहर सेंड किए, बस रैली जो करते हैं ना डार्कनेस्ट पे, वो रैली नहीं होनी चाहिए। उस रैली में जो ट्रूप्स गया होगा वो उसको छोड़कर बाकी सारे ट्रूप्स आपके देख सकते हो लेवल फर्स्ट पे 50 सेकंड के अंदर आपके टर्फ में आ जाएंगे। लेवल सेकंड पे थोड़ा कम ऐसे होते होते लेवल 10 पे 6 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। तो गाइस सोचो सडनली अगर कोई यहाँ पे अटैक कर रहा है, आपके सारे ट्रूप्स बाहर की साइड है, या आपको वहाँ से रिलोकेट करना है, चलो तो यार आप नहीं कर पाओगे जब तक आपके ट्रूप्स बाहर। तो जस्ट इसके स्किल टोन को यूज़ करो और मिनट में रिलोकेट कर लो अपने आप को, या उस डिफेंड, अगर आपके पास ज़्यादा ट्रूप्स हो जाएंगे तो डिफेंस भी कर सकते हो। तो बस यही है, जस्ट किसी ने आपके पर रैली कर दी, आपके पास ट्रूप्स तो ऑलरेडी सारे बाहर है और रैली कर दी आपको, और रैली से बचना है मतलब डिफेंस करना रैली को, तो उसके लिए आप चाहते हो कि आपके सारे ट्रूप्स जल्दी से जल्दी अपने पास आ जाए। तो जैसे ही आप रैली का टाइम पीरियड देखोगे कि भाई रैली को पहुंचने में इतने सेकंड लगे, जस्ट क्लिक करो उससे पहले रैली आपके पास आने से पहले सारे ट्रूप्स आ जाएंगे, तो डिफेंड करने में भी हेल्प मिलेगी, या वहाँ से शील्ड करने, रिलोकेटर जो भी है आपको उस चीज़ों में हेल्प मिलेगी। तो ग्रीफोन बता दिया। अगर आप जेम्स के लिए बात करो तो जेमिंग ग्रेमलिन वेस्ट है, देख सकते हो इसमें आपको जेम्स मिलते हैं, देख सकते हो हर दो दिन में 1000 से 2000 जेम्स मिलते हैं लेवल 10 करने पे। और जेम गैदरिंग स्पीड भी बढ़ाता है, जब केवीके वगैरह खत्म होता है, जेम लोड वगैरह आते हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्शन स्पीड भी बढ़ाता है ये। प्लस में यहाँ से आर्मी टैलेंट में इसका देख सकते हैं इन्फेंट्री अटैक भी इंक्रीज करता है ये। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा अगर आपके गिल्ड मेट या कोई भी ज़्यादा हाई लेवल के हैं जो कि आप रैली वगैरह करते हो, तो उसको देखा होगा आपने ये सब। मेनली ये 2-3 जरूर लेते हैं आर्मी, ट्रिक्स्टर हो गया, गोब्लिन हो गया, और ये जेमिंग ग्रिमलिन और ग्रीफोन, ये तो लेते ही लेते हैं। तो यार देख लो बाकी मैं कहूँ तो ट्रिक्स्टर भी बेस्ट है यार। ट्रिक्स्टर जेम्स के लिए चाहे तो जेमिंग ग्रेमलिन लो या ट्रिक्स्टर लो, बात वही है। क्योंकि देखो जेमिंग ग्रेमलिन रोज जेम्स देगा आपको, ठीक है, और जो ट्रिक्स्टर है ना ये हॉल स्टार देगा आपको, ठीक है। ये मैंने मैक्स कर ली है इसकी एबिलिटी भी, रैंडम हॉल स्टार 10,000 का भी कई बार मिल जाता है, मुझे खुद 3 बार 10,000 का मिल चुका है यहाँ से, बाकी 1,000 का मिलता ही है। और अब तो यार एक आधा मिलेगा 100 का, नहीं तो 1,000 का ही मिलता है मैक्सिमम यहाँ से। बाकी रिसर्च स्पीड और रेंज अटैक बढ़ाता है, यहाँ से जाएंगे तो रेंज के लिए ही। बाकी आप देख लेना आपको कौन सा बेस्ट लगता है। मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि आप अगर अटैक के लिए करते हो तो ग्रीफोन को करो, जेम्स के लिए करते हो तो जेमिंग ग्रिमलिन को करो, और गोल्ड के लिए गोल्ड चाहते हो तो गोब्लिन को लो यार। गोब्लिन देख सकते हो गोल्ड कितना देता है, लेवल 10 पे करोगे तो 6 मिलियन से 12 मिलियन जेम्स रोज देगा ये, ठीक है गाइस। अभी गोब्लिन के बारे में थोड़ा और जान लो, ये देखो ये गोल्ड प्रोडक्शन जस्ट अभी मैंने इंक्रीज करके बताया था। प्लस में गैदरिंग स्पीड बढ़ा देता है, वो भी देख सकते हो टैलेंट में आपको क्या अटैक देता है ये, ठीक है। और इसमें जाएंगे तो ये उतना कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ देख सकते हो कुछ मर्जिंग पैक्ट है, और ये अल्तार स्टार बूस्ट है, बूस्ट और ये रिसर्च के कुछ है जो ऑनगोइंग रिसर्च होता है ना, उसके जो हेल्प मांगते हैं वो हेल्प मिनट में फिल कर देता है ये, तो वो है, ठीक है गाइस। और अगर इसमें जाते तो यार ये आपके वॉल के लिए बेस्ट है, देख सकते हो आप। मैं तो कहूँगा अगर आपका अटैक होता है छोटे लेवल को तो पहले कोशिश करो इसको बनाने, क्योंकि वॉल के लिए बेस्ट है ये। तो अगर आपके वॉल की एचपी जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगी तो यार सही रहेगा आपको डिफेंस करने में। किसी ने अटैक किया मिनट में वॉल की एचपी मतलब बढ़ा रही 50% फर्स्ट में, अगले दिन 50% हो जाएगा, तो ये भी बेस्ट है। बाकी आप देख लेना पैक 3 में सारे ही बेस्ट है अपने आप में, बाकी आपके ऊपर है आप क्या सोचते हैं। और पैक 4 की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं आप पैक 4 में बस कुछ नहीं, पैक 4 में जाएंगे आप तो जस्ट आपको यहाँ पे देखना है, और इसकी
जो ये चीज़ है ना, देख सकते हो ज्वेल देते हैं, ज्वेल्स जो कि यार बेस्ट है अपने आप में, ज्वेल बता दूंगा वो भी किस लिए, अटैक वगैरह के लिए वो भी ज्वेल देता है। देख सकते हो ग्रांट रैंडम ज्वेल्स रिक्वायर्ड फैमिली 63 ज्वेल्स देगा, रोज का एक ज्वेल्स हो गया। और क्या चाहिए, यहाँ डिफेंस देता है इन्फेंट्री का, शील्ड देता, शील्ड प्रोटेक्शन देता है इन्फेंट्री का ये। बाकी तो यहाँ देख ही सकते हो मैक्स डिपॉजिट भी बढ़ाता है ये आपका, तो ये बेस्ट ऑर्डर ही करो आप पहले, तो मैं यही कहूँगा। और नहीं तो अगर नेक्स्ट में जाना चाहोगे तो इसको ले सकते हो। देखो तो ऐड 7 हंट्स इन रॉ वंस विद 15 मिनट्स, कैन नॉट एक्सिस्ट हंट इन अ रॉ लिमिट। तो ये भी थोड़ा मतलब मॉन्स्टर हंट्स वगैरह के लिए ठीक है। यहाँ देख सकते हो मॉन्स्टर हंट की ट्रैवल स्पीड देता है, प्लस में कैवलरी डिफेंस देता है। और आर्मी में देखोगे तो यहाँ पे आपको सुमना शील्ड एड कैब को शील्ड प्रोटेक्ट करता है ये। तो इसमें कुछ यही है, एक दो ही खास, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता है कि ये भी थोड़ा इसमें भी आर्मी टैलेंट ठीक है, बट इतना खोल नहीं पाओगे। जो मेन थिंग है वो ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये भी बढ़िया है। बट कुछ खास नहीं है, मैं तो यही कहूँगा ऑर्डर ही करो यहाँ से, यही बेस्ट करो पैक्ट 4 में, तो यही बेस्ट है। तो गाइज आज के लिए इतना बहुत है, सारे फैमिलीज के बारे में मैंने मेन डिटेल्स बता दिए, जो मेन मेन चीज़ होते हैं इन फैमिलीज के अंदर वो तो मैंने आपको बता दिया गाइज, ठीक है। और अगर सारे फैमिलीज की बात करूँ, डिटेल्स की बात करूँ, सभी फैमिलीज की मतलब जो भी होते हैं, जिस हर किसी पे मतलब क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इसकी सारी डिटेल्स बताऊँ तो यार थोड़ा वो हो जाएगा। ये तो प्लेयर एक्सपी के लिए ठीक है यार, अगर आपको एक्सपी जल्दी से 60 करना है तो उतना वही है। अगर न्यू प्लेयर तो आई होप के कोई कम ही होंगे मेरे पास जिनकी लेवल 60 नहीं होंगे, बाकी वो देख लेना जो भी है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है फैमिलियर्स पे, मैंने कमेंट किया था जैसे किसी ने कि दो पार्ट्स में बनाना, तो मैंने सोचा पहले मेन थिंग ही बता दूँ, बाकी अगर आप सबकी रिक्वायरमेंट होगी तो बाकी चीज़ें भी बता देंगे, कि मतलब सारे फैमिलियर्स की डिटेल्स भी बता देंगे थोड़ा अच्छे से, जिससे कि आपको और भी जानकारी लेने में आसानी मिले, मतलब जल्द से जल्द आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल जाए। और कोशिश करना आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग्स को बिल्ड करें, क्योंकि स्प्रिंग्स आपकी तो कैपेसिटी देती है ना, वो यहाँ से आई पे क्लिक करके देख सकते हो, स्केलेटन मर्जिंग स्पीड देता है, प्लस में इधर से देख सकते हो आप मर्जिंग स्पीड बूस्ट देता है पैक्ट को 20%। तो पैक जल्दी जल्दी बनेंगे आपके पास, तभी रूम्स आएंगे जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा जब ज़्यादा से ज़्यादा रूम्स आएंगे तभी आप इनको अपग्रेड कर पाओगे। यहाँ से मतलब रूम्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो आप अपग्रेड कर पाओगे इसे। तो वही था, और मैंने तो ये जिम है वो 3 कर लिया, आप कोशिश करना 2 या 1 जिम करने का, और एक ही ये रखना बस मिथिक स्पायर, बस मैं बता दिया इतना। स्टार्टिंग में इसको 2 कर लेना, कोई बात नहीं, बस बाद में 1 कर लेना, क्योंकि यार स्टार्टिंग में कम करते हैं ये, 9 ही पैक करते हैं मर्ज़, देख सकते हो। बाकी तो मेरे फैमिलियर्स की वजह से 13 हो रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, फिर जैसा बता दिया बस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, बाकी कोशिश करना मैक्स डिपॉजिट को लेवल अप करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिपॉजिट कर पाए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जेम्स ले पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो गई, बाय बाय।